Welcome to the club. बढ़िया हो ना अरुण मुगल, इस कार्यक्रम में आप सब भविष्य वक्ताओं को मिलकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। यीशु पिता अपना भविष्य वक्ता का अभिषेक आपको प्रदान करके हर दिन उसमें आपको बढ़ा रहे हैं, है ना। आपका जन्म हुआ है उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके दर्शन देखने के लिए और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए, है ना। तो आप सब कौन हो? आप उनके भविष्य वक्ता हो। सब लोग एक साथ बोले, हम प्रभु के भविष्य वक्ता है। बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों, हम इस एपिसोड में एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने वाले हैं और उस बढ़िया चीज को हम देखने वाले हैं आपके पसंदीदा शो के द्वारा। कौन सा शो? पपेट शो। हम गांव में गए थे, हमने यीशु पिता के आगमन के बारे में सबको बताया। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ठीक है, अगर मैंने अभी चलना शुरू किया ना, तभी मैं इसके आगे के गांव तक पहुँच पाऊँगी और वहाँ पर जाकर सेवकाई कर पाऊँगी। चलो चलते हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश थी, बहुत खुश। हाँ, मैंने यीशु पिता के आने के बारे में बताया, वो जल्दी आएंगे और उनके राज्य का सुसमाचार भी प्राप्त होगा। और वहाँ के सब छोटे बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ, मुझे देख रहे थे वो सब। मैंने बहुत अच्छे से बताया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद यीशु पिता, ये सब आपकी वजह से है। रोशनी कितनी कम हो गई है, यीशु पिता मेरे आगे चल रहे हैं ना। चलो ये हुसाना वाला गीत गाते हैं। यीशु पिता मेरे आगे चल रहे हैं। छोटी बच्ची, इस गांव में तुम्हारा क्या काम है? मैं यहाँ के लोगों को यीशु पिता के आगमन के लिए तैयार करने आई हूँ। तुम यहाँ के लोगों को भटका रही हो ये कहकर कि प्रभु यीशु आने वाले हैं? अब तुम ऐसा नहीं करोगी। अब अगर तुमने एक बार भी कहा कि प्रभु यीशु आने वाले हैं तो तुम जीवित नहीं बचोगी। सावधान रहना। मुझे डराओ मत, मुझे डर लग रहा है। यीशु पिता, यीशु पिता। इधर देखो, तुम सभी को भटका रही हो ये कहकर कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, आने वाले हैं। वो नहीं आने वाले, प्रभु यीशु नहीं आने वाले। नहीं, वो जरूर आएंगे, वो आएंगे और हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। इधर देखो, यहाँ इस गांव के नहीं नहीं नहीं, इस पृथ्वी के सभी लोग मेरे नियंत्रण में हैं। ये सभी नर्क में जाएं, यही मेरी इच्छा है। और अगर तुम यहाँ आकर इन लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करोगी तो फिर तुम देखना तुम्हारा क्या होगा। ऐसी बातें मत करो, ये पृथ्वी के सब लोग यीशु पिता के ही बच्चे हैं, समझे ना। वो उनके आगमन के लिए
तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तुम मेरे बारे में नहीं जानते, तुम इसी रात को खत्म हो जाओगी। ऐसी बातें मत करो, यीशु पिता मेरी मदद करो, यीशु पिता प्रभु मेरी मदद कीजिए। यीशु पिता, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यीशु पिता का जीव मेरे अंदर है। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, उनका शब्द भी मेरे अंदर है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरने वाली हूँ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। सुनो, इस शैतान को नष्ट करने के लिए प्रभु तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अरे रे रे, स्वर्ग लोक में प्रवेश की बात सुनकर मुझे बहुत ही क्रोध आने लगता है। अरे रे, मुझे पता है कि तुम्हें इस जगह से कैसे भगाना है। यीशु पिता की लहू से हमारी बचाओ। यीशु पिता की लहू से हमारी बचाओ। लहू से हमारी बचाओ। बचाओ यीशु पिता की लहू से हमारी। यीशु पिता की। बहुत अच्छा हुआ शैतान चला गया। कितनी चालाकी से वो योजना बना रहा है हमें नरक में ले जाने की। यीशु पिता जरूर आने वाले हैं। इस पृथ्वी पर यीशु पिता जरूर आने वाले हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपनी सेना के साथ जरूर आएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो जरूर आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हमें इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। हम बच्चे भविष्यवक्ता हैं। हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। हमें शैतान से कभी नहीं हारना चाहिए। और किसी भी तरह से हमें यीशु पिता के आगमन का मार्ग तैयार करना चाहिए। दोस्तों, शैतान आपको भी वैसे ही डराएगा जैसे उसने मुझे डराया है। आप बिल्कुल डरना मत। उसके विरुद्ध खड़े रहना और वो फिर वहाँ से भाग जाएगा। सिर्फ वही नहीं, अगले गाँव में जाकर यीशु पिता की बात भी आपको बतानी है और वहाँ के लोगों को उनके आगमन के लिए तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद यीशु पिता मुझे आपकी शक्ति प्रदान करने के लिए। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। चलो मैं धीरे से चलती हूँ, तभी मैं आगे के गांव तक पहुँच पाऊंगी। तो दोस्तों, क्या आपने पपेट शो देखा? बहुत ही अच्छा था ना? यीशु पिता आपको एक भविष्यवक्ता की तरह बढ़ा रहे हैं ताकि आप उनके आने के लिए मार्ग तैयार कर सकें। और बहुत सारे रहस्य भी हैं उसमें। पर शैतान अच्छा नहीं है, वो आपके दिमाग को बहला रहा है। वो आपके मन के अंदर संदेह रखेगा ये कह के कि आपको भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर डाउट या कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक है। और जिसके भी अंदर ये अभिषेक है उसके अंदर आत्मविश्वास तो होगा ही। पवित्र आत्मा आपको धैर्यवान रखेगी, तो आपको उत्साहित हो के भविष्यवाणी करती रहेगी उन चीजों के बारे में जो प्रभु आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगले शो में मैंने बहुत सारी चीजें अपने दोस्तों से बताई है, आपको उनके बारे में सुनना है ना? तो आपको बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहना है और वचनों को नोट डाउन करना है, उनके मतलब को नोट डाउन करना है। ठीक है ना? तैयार हो ना? हाँ, तो चलो शो को देखते हैं। कैसे हो आप लोग? अच्छी आंटी। अच्छे हो ना? घर पर अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो ना? ठीक है। जूलिया, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो घर पर? मेरी प्रार्थना का समय रोज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, मैं जानती हूँ, पर किस तरह से बढ़ रहा है? हाँ, कैसे बढ़ रहा है? जैसे मैं यीशु पिता के लिए इंतजार कर रही हूँ ना, तो वो बढ़ते जा रहा है इंतजार। प्रभु मेरी आत्मा को आशीर्वाद दीजिए प्रार्थना से पहले, ऐसा कह के आप इंतजार कर रही हो। कितनी देर करती हो इंतजार? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट काफी है तुम्हारे लिए? यीशु पिता बात करते हैं तब तक इंतजार करती हूँ। इंतजार करती हूँ। और तुम जैकलिन? मेरे लिए भी वैसे ही आंटी, जब यीशु पिता जब तक बात करते ना तब तक मैं इंतजार करती हूँ। इंतजार करती हूँ। और आप दोनों? हम भी आंटी। ठीक है, जब तक यीशु पिता की आवाज़ ना सुनो आप इंतजार करते हो। ठीक है, आज कौन सा गीत गाने वाले हो आप लोग? आपकी सुंदर द्वार में। अच्छा अच्छा, वो गीत क्या हम गाएं? वो चलो गाते हैं। आपके सुंदर द्वार में हम आए हैं प्रवेश करने, हम सब आए हैं भर जाने। प्रभु के घर की अच्छाई से आपके सुंदर द्वार में हम आए हैं प्रवेश।
प्रवेश करने, हम सब आए हैं भर जाने। प्रभु के घर की अच्छाई से आए आराधना करने, आए प्रेम करने, ये हुआ प्रभु को। स्तुति करने आए, प्यार करने आए, पवित्र यीशु पिता से आए आराधना करने, आए प्रेम करने, ये हुआ प्रभु को। स्तुति करने आए, प्यार करने आए, पवित्र यीशु पिता से। देखा आपने, तो हमें क्या करना चाहिए? पूजना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और आराधना करनी चाहिए। ये चारों चीजें करनी चाहिए। आप लोग अच्छे से कर रहे हो ना? जब आप पूजते हो तो पूरे प्रेम से पूजना चाहिए, उसके बाद उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी महिमा के बारे में, चमत्कारों के बारे में क्या करना चाहिए, और फिर आराधना करनी चाहिए। जब आप उनकी आराधना करोगे तब प्रभु हमसे बात करेंगे, ठीक है ना? तो क्या अब हम बाइबल में से एक वचन पढ़ सकते हैं? दूसरे पत्रस में से तीसरा अध्याय तीसरा वचन और चौथा वचन। आइए पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ठीक है, तो आप मतलब समझे ना कि यही चीज है जो अंतिम दिनों में होने वाली है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा? हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और वो भरे हुए होंगे इस दुनिया की अभिलाषाओं के साथ, भरे हुए होंगे बहुत ज्यादा। तो सब सोच में पड़ गए कि वो लोग क्या करेंगे जो इस दुनिया को पसंद करते हैं और दुनिया के सुखों को पसंद करते हैं। यीशु पिता आने वाले, ये हम कहते हैं ना, आप सबके पास भविष्यवक्ता का अभिषेक है ना, यीशु पिता के आने का मार्ग आप तैयार कर रहे हो। तो तुम हमेशा इसी ख्याल के साथ रहोगे कि यीशु पिता आने वाले हैं, जल्द ही आने वाले हैं। इसके विषय में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, प्रभु के आने का मार्ग भी तैयार कर रहे हैं ना। तो जब हम उस दिशा में चलने लगेंगे ना, अचानक से एक गुट खड़ा हो जाएगा, वो कहेंगे यीशु पिता नहीं आने वाले हैं। क्यों बोल रहे हो कि वो आने वाले हैं? ये भूमि और ये सृष्टि पहले से ऐसी ही है, क्या हुआ उसे? हमने तो कोई नाश नहीं देखा। सच तो ये है कि पृथ्वी नष्ट नहीं होने वाली है, यीशु पिता का आगमन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। इस तरह का गुट उठेगा और बोलेगा, ऐसा गुट उठेगा और बोलेगा और हमारे मन को बदलने की कोशिश करेगा। भविष्यवक्ता की सेना, बच्चों की सेना को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी संदेह नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? और हंसी ठट्ठा करने वाले लोगों की नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और यही कारण है कि यीशु पिता ने आपको वो भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रदान किया है, इसीलिए दिया है। यीशु पिता इतने छोटे बच्चों को ऐसा भविष्यवक्ता का अभिषेक क्यों देंगे? आप सबको खड़े होना है और यीशु पिता का मार्ग तैयार करना है। इसके लिए लोगों को पाप नहीं करने हैं, पर उनको पश्चाताप करना है, ताकि वो यीशु पिता के आने की तैयारी कर सके, यीशु पिता के आने की तैयारी कर सके। इसीलिए मैं कहती हूँ, प्रार्थना करो, जूलियाना, जैकलिन प्रार्थना करो, इंजिल और लतिका प्रार्थना करो, ऐसा कहती हूँ। और मैं बाइबल पढ़ने को कहती हूँ, जब तुम प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में बढ़ोगे ना, तब आपको पवित्र आत्मा प्रभु की चीजों के बारे में सिखाएगी, बताएगी आपको। जब इन स्थितियों का सामना आप अकेले करते हो तो आप सतर्क रहोगे, और ये सब काम है किसका? शैतान का काम है। यीशु पिता निश्चित आएंगे। आपको इन झूठों को चुनौती देनी है और उनसे कहना है, बोलोगे आप उनसे? नहीं बोल पाएंगे। आपको कहना ही चाहिए, और इसी कारण से प्रभु ने आपको अभिषेक प्रदान किया। इस अभिषेक के साथ आप धैर्यता से खड़े हो सकते हो, चुनौती दे सकते हो। यीशु पिता आने वाले हैं, वो जरूर आएंगे। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, हाँ ये लोग शायद सच कह रहे हैं, और उन सब की बातें सच मानकर आप उनकी तरफ झुक जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपके मन में ये सब अच्छे से छपा हुआ होना चाहिए। यीशु पिता आने वाले हैं बहुत ही जल्द। आपको बहुत सारी चीजें इस अभिषेक को अपने अंदर भर कर ही करनी है। कोई भी काम अच्छे से करना है और सबके विरुद्ध खड़े रहना है। वो सब हंसी ठट्ठा करने वाले लोग और वो सारे लोग जो अंतिम दिनों में आएंगे, जो आपका मन बहकाएंगे, और इसलिए आपके पास भविष्यवक्ता का अभिषेक है, ठीक है ना? जूलिया, क्या आप ऐसे बनोगे? साहसी बनोगे आप? एलिया भविष्यवक्ता, मूसा भविष्यवक्ता की तरह चुनौती करोगे आप? हाँ जी। या फिर आप उन गुटों के साथ जुड़ जाओगे? चुनौती दूंगी उन्हें। चुनौती दोगे ना?
ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब वो स्थिति आएगी तुम उनके साथ जुड़ जाओगे कि चुनौती दोगे। क्या हम देखें क्या करेगी वो? लतिका तुम कर लोगी? हाँ जी। ठीक है, अब हर दिन आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम प्रार्थना करोगे यीशु पिता तुमसे बात करेंगे, वो अपने बहुत सारे रहस्य तुमसे उजागर करेंगे और इससे आपको समर्थन मिलेगा ना। कोई बात करे या ना करे, यीशु पिता की आवाज जिसको आती है ना उसे सब पता होता है। यीशु पिता आने वाले हैं, इस बात के बारे में उनको कोई भ्रम नहीं है। अभी सब ठीक है, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी भ्रांति हम पर हमला करेगी। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको अपने दोस्तों को बताना है। आप अपने स्कूल में बता रहे हो ना कि यीशु पिता आने वाले हैं? हाँ जी। आपके मन में ये बोझ होना चाहिए कि कोई भी आत्मा नरक में नहीं जानी चाहिए। क्या आप चाहते हो आपके दोस्त नरक में जाए? नहीं जानी चाहिए। शैतान के हाथों से उनको छुड़ाकर स्वर्गलोक ले जाना आपका काम है। भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त करने वाले बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। आपको अपने दोस्तों के लिए हर दिन प्रार्थना करनी है, अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करनी है, इस सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करें, करोगे ना? ठीक है। हाँ, अब आप सबको बाइबल पढ़नी चाहिए। अपने घर जाकर इस वचन पर ध्यान करोगे ना? हाँ, घर जाकर आपको इस वचन का ध्यान करना है। कहना है कि यीशु पिता हमें इन गुटों से दूर रखिए। जब ये उठकर आपके विरुद्ध बात करते हैं, हमें आपके अभिषेक से भरे हुए होना चाहिए और हमें यही कहना है कि आप जरूर आने वाले हैं, ऐसा कहना है। कहोगे ना प्रभु से? हाँ, जी। ठीक है दोस्तों, क्या आप सबने शो देखा और बाइबल के वचनों को लिख लिया? तो आने वाला समय बहुत ही दुष्ट होने वाला है। हंसी ठट्ठा करने वाले लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि प्रभु नहीं आने वाले हैं और प्रभु का आगमन होने ही नहीं वाला है, ऐसा कहेंगे वो लोग। हमें बहकाने वाले लोग हमारे आसपास खड़े होने वाले हैं, पर आप भविष्यवक्ता हो यीशु पिता के और आपको उनके आने का मार्ग तैयार करना है। आपको शुद्ध रहना है और सावधान रहना है, स्पष्ट रहना है, सावधान रहना है। यीशु पिता जरूर आने वाले हैं इस पृथ्वी पर और इस बात में कोई भी बदलाव नहीं है। और यीशु पिता ने क्या कहा है? जल्द ही मैं आने वाला हूँ, ऐसा यीशु पिता ने कहा था। जरूर आएंगे वो। हमें तैयार रहना है और हमें दूसरों को भी उनके आगमन के लिए तैयार करना है। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। आपका भविष्यवक्ता का अभिषेक ज्वलंत होना चाहिए। आप प्रभु के रहस्यों को सुनकर उनकी भविष्यवाणी करने वाले हैं, करने वाले हो ना आप? ठीक है, तो क्या अब हम सब प्रार्थना करें? दोस्तों, अब हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे दोस्त भी घुटने टेके हुए हैं। आप भी अपने घर में घुटने टेक कर हमारे साथ प्रार्थना करोगे? हम आपके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक ज्वलंत करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ काम करने वाली है। यीशु पिता की आवाज आप सुनने वाले हो। आप घर पर बैठकर पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रार्थना करो और हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। अगर आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप यीशु पिता के नाम की स्तुति भी कर सकते हो। सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करके क्या हम अन्य भाषाओं में जोर से प्रार्थना कर सकते हैं? सब बच्चे जोर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। रबा रबा शेखेरी बाबा बाबा बा शेखेरे बाबा बाबा। आपको भविष्यवक्ता का अभिषेक अपने अंदर ज्वलंत करना है। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जानी चाहिए। रबा रबा शेखेरे बाबा बाबा बा शेखेरे। प्रभु भविष्यवक्ता का अभिषेक सब बच्चों में ज्वलंत हो जाए। प्रभु वो सब आपके लिए खड़े हो। प्रभु रबा रबा शेखेरे बाबा बाबा शेखेरे। उनके आत्मिक कान तेज हो जाने चाहिए। उनकी आत्मिक आंखें प्रकाशित हो जाए। प्रभु आप सब प्रभु से अन्य भाषाओं में दिल खोल के बात करो। यीशु पिता के नाम की प्रशंसा करो और उनका धन्यवाद करो। रबा रबा शेखेरे बाबा बाबा बाबा। रबा रबा शेखेरे 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 बाबा बाबा। रिबे रिबे शेखेरे शेखेरे बाबा बाबा। बच्चों की आत्मा मजबूत हो जाए। प्रभु भविष्यवक्ता का अभिषेक अग्नि की तरह ज्वलंत रहे। प्रभु उनको प्रभु के लिए खड़े होने दीजिए। इन बच्चों को खड़े होने दीजिए। प्रभु रबा रबा शेखेरे बाबा बाबा शेखेरे 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 बाबा बाबा शेखेरे। प्रभु उन्हें उन बच्चों की तरह खड़े होने दीजिए जो यीशु पिता के आगमन का मार्ग तैयार करते हैं। प्रभु रबा रबा शेखेरे शेखेरे बाबा बाबा बाबा। पूरे उत्साह और समर्पण के साथ हर बच्चा अन्य भाषा में प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। प्रभु रबा 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 शेखेरे शेखेरे बाबा बाबा। हेरे बाबा बाबा शेखेरे
अभिषेक प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, प्रभु के रहस्यों को जानने के लिए अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करो। रे बेरे अभिषेक खेरे शेख खेरे ओ रे बेरे अभिषेक खेरे शेख ही पापा 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 ओ रा बरा 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 शेख खेरे पापा पापा शेख खेरे बाबा बाबा शेख खेरे बाबा ओ रा बरा बरा शेख खेरे बाबा शेख खेरे बरा 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 शेख खेरे। अब हम सब शांति में इंतजार करेंगे, आपको यीशु पिता की आवाज सुनाई देगी, यीशु पिता आपको दर्शन दिखाएंगे आपकी आंखें खोलकर, सुनकर और देखकर आप ये हमें बताएं। आंटी यीशु पिता कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे और युवा अपने बुरे दोस्तों को सुन रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं और फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहे हैं आंटी, और इस दुनिया की चीज़ों में ही लगे हुए हैं और वो मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब लतिका इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेगी। हर बच्चे को प्रभु को ढूंढना चाहिए और प्रार्थना करने वाले बच्चे हो जाने चाहिए और ये अभिषेक सबके अंदर प्रवाहित होना चाहिए। अपने माँ बाप के बात मानने वाले बच्चे होने चाहिए, उन्हें अपने बुरे रास्तों से पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु के पसंदीदा बच्चों में बदल जाना चाहिए और प्रभु का राज्य जो ढूंढते हैं ऐसे बच्चे बन जाने चाहिए। लतिका अब उनके लिए प्रार्थना करेगी, हम भी उसके साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता आपकी स्तुति हो, शिखरे बाबा बाबा शिखरे शिखरे पिता आपकी स्तुति हो, यीशु पिता आपकी स्तुति हो, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। हम आप प्रार्थना करने वाले हैं, जो दर्शन आप हमें दिखाएं यीशु पिता हर एक बच्चे को और युवा को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो आज्ञाकारी बच्चे बन जाएं और अपने दोस्तों की बातें ना माने। यीशु पिता उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो अपने माँ बाप की बात सुने और अच्छे कार्य करें। यीशु पिता वो अपना फ़ोन ना इस्तेमाल करें और टीवी भी ना देखें। यीशु पिता वो सब ना करें जो शैतान उन्हें कहने को करता है और सिर्फ वही करें जो आप कहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि आप आने वाले हो यीशु पिता, और ये बात जानते हुए उन्हें अपने माँ बाप की आज्ञा मानने दीजिए और अच्छे कार्य करने दीजिए। यीशु पिता वो अच्छे कार्य करें, उनका उनके दिल को छूइए। यीशु पिता जो सब बच्चे ये सब अच्छे काम करते हैं उनके दिल को छूइए। यीशु पिता उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो अपनी माँ बाप की बात सुने और अपने दोस्तों की बात ना सुने। यीशु पिता उनके दिल को बदल दीजिए। यीशु पिता आप उनके दिल में रहिए। यीशु पिता उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि आप उनके हर एक ख्याल में रहिए। यीशु पिता उनके हर एक ख्याल में रहिए आप। यीशु पिता शरीर वाला बारा शरीर वाला बारा बारा हर वाला शरी बिरी बिरी शरी डला बाला बारा बाला बार हो रे रे बले बाला बारा शरी बारा बाला बाला खला खला बारा बारा र शरी री बिली बिली बिरी 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 खिरी बिरी बिरी खिरी बिरी खिरी बिरी हो रे रे शरी रे खरा खला खला बारा बारा बारा। यीशु पिता वो आपके आगमन के लिए तैयार होने चाहिए। यीशु पिता तैयार कीजिए उनको। यीशु पिता उस समय उनका ध्यान टीवी और फोन पर नहीं रहना चाहिए। यीशु पिता नहीं रहना चाहिए। यीशु पिता क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्तों की बात सुनते हैं, उनके माँ बाप तकलीफ में रहते हैं। यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता हर बच्चा और युवा अपने माँ बाप की बात सुनने चाहिए। यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन। दोस्तों क्या आप सब ने प्रार्थना की? बहुत अच्छे, यीशु पिता के आगमन की तैयारी आप सब कर रहे हैं। आपको यीशु पिता का शब्द भी प्राप्त हुआ है ना? बहुत से लोग दर्शन देख रहे हैं, उनकी आवाज भी सुन पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये भी लिखा कि प्रभु ने उनको क्या उजागर किया है। तो आपको ये सब हमें लिखना नहीं भूलना है हमारे अरुण बुगल के ईमेल आईडी पर। अपने दर्शन और अपने फोन नंबर जरूर लिखिए हमें। आप जब हमें लिखेंगे दर्शनों के बारे में तो हम आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है ना? तो अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना करते रहिएगा। आपको भी यीशु पिता के आगमन की तैयारी करनी है और दूसरों को भी तैयार करना है, क्योंकि बहुत ही जल्द यीशु पिता इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और हम सब से मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाने वाली हूँ और अगले हफ्ते मिलूंगी। बाय।